हमने निकल जाना है और ये सब अभी सिर्फ जीन्स हैं और पैकिंग कर रही हूँ अभी मैं। पता नहीं क्या बनेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। इतने सारे हमने 2014-15 के हमने कहा कि हमने निकले नहीं है। आई एम रेडी टू गो। और ये हमारे रूम की हालत है, बस सब जाने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत यहाँ पे पागल हुई हुई है। मैं सोच रही हूँ मैं कैजुअल पहन जाती हूँ आराम से। वाई? क्योंकि सफर लंबा है। देख लो, मर्जी है। हम लोग तो भेरा रुके हैं। हम लोग कहाँ हैं शहर? चक्री। हम लोग चक्री पहुँचे हैं और वो उधर फ्रूट काटने लगे क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया है और इन लोगों को रोज़ा बहुत शदीद लग रहा है ना जन्नत? पीछे शहर कह रही है हमें रोज़ा बहुत शदीद लग रहा है। हम लोग खुद अपना लेकर आए हुए हैं सब, ताकि आगे जाके भी हम लोग खुद खाना बनाएं और यहाँ पे हमें इफ्तारी करने लगे। मैं तो सारा रास्ता सोते हुए आई हूँ। आप सो रही? मैं भी सो रही थी, पूरे रास्ते सोती आई हूँ। मैं का टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, सो जाते हैं। अब तो बस हो गई, जल्दी रोज़ा खुलवा दो, टाइम गुजर जाए। तुमने रास्ते स्क्रीन लगाई टेबल और कुर्सियाँ। हाँ जी, ऐसे जी सर। शहर पागल हो गई है कड़ी खा खा कर। इधर सिर्फ कड़ी ही मजे की थी। जन्नत, तुम्हें सुकून मिल गया रोजा खोल के अपना? मुझे तो भूख ही नहीं लग रही थी पहले। अच्छा, शहर तुम्हें सुकून हो गया? तुम्हें रोजा खोल के? हाँ, हम लोग बैठे थे और अब हम जा रहे हैं वापस। हम जाएंगे टक शॉप और वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेंगे क्योंकि आगे जो रोड है वो 11 घंटे की है। घंटों तक कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, ना वॉशरूम। एक होटल आते हैं लेकिन वहाँ पे हम लोग रुके नहीं थे। मैंने ये लिया, तुमने क्या ले लिया? तुमने तीन, क्यों? एक मेरा है इसमें से जन्नत, एक मेरा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो अच्छे भी नहीं है लग रहे, नकली लग रहे हैं शक्ल से। ये मेरा भी ले लेना, बस स्मार्टी हो रही। मैं नहीं कर सकती हैं, वो किधर आ रही? मैं बुलाती हूं। कहां तला से ये हाथ में मौजदा तक फैजा हूं निमरती ना मुंह कर फलियों वाला तो सलाम। क्या हुआ तुम्हें? यहां पे हमें मिल गए हैं लेस वगैरह, निमको, पोटैटो स्टिक्स और सुपर और क्या है यहाँ, बिस्किट्स वगैरह हैं और ये देख लें, 290-290 के दो ले लिए उसने, खाने हैं नहीं इसे। भूल गए मामू। हाय मामू, दिस इज मी खाना का 10 द डैशिंग द हैंडसम। मैंने एक अफवाह सुनी है आपकी। क्या? मैंने अफवाह सुनी है कि आप, आपकी वजह से लोग लड़ पड़े हैं कहीं। वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आर यू मैरिड और नॉट, आर यू मैरिड और नॉट। हम इस चीज से पर्दा उठाएंगे। ठीक है। करेला विद चिकन एंड कचौरी, करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसा, करेले को इंग्लिश में गोया। Actually, goya is in Japanese. करेले में क्या कहते हैं? ओ, गोरों का करेला नहीं होता, गोरों के पास करेले होते हैं। उसका इंग्लिश का नाम तो होगा ना? उनके पास होते नहीं तो कैसे नाम? शहर से पूछते हैं। वो मेरा एक दोस्त था, वो अपने टीचर से कहता है, सर ये जो स्पीड ब्रेकर है, जंप जो है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहता गोरियां का होता ही नहीं जंप। तो वो इंग्लिश में बोल रहे जंप। करेले को इंग्लिश में सर क्या कहते तुम? अबे सीरियस है, हम किसी को भी नहीं आ रहा। नहीं, मुझे आता है लेकिन मैं भूल गया हूँ अभी। ओके, गोया भाई को तो नानते हो ना? अच्छा, सनी मामू जी, जरा रोशनी में आई मेरे साथ।
आए आए सनी मामू, हमारे साथ पिछली दफा हुंजा जाते हुए एक बहुत अजीब वाकया हुआ था। हाँ। कि हमारा रास्ता लंबा 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 होता गया और तीन गाड़ियां या दो गाड़ियां हमें तीन तीन दफा नजर आई, जबकि हमने उनको ओवरटेक किया और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि वो हमें ओवरटेक कर सके। तो क्या बिटर ब्राउन? ये तो कभी बिटर ब्राउन नहीं, बिटर गोल्ड। सो सो सो, ये तो हमने कभी भी नहीं सुना। नहीं पता, नहीं मुझे पता था, लेकिन बस कर दें आप, रहने दें आप। गॉड आ रहा था जो, मैं कुछ कह रही थी जनरल। हाँ, तो वो हुआ ये था कि मैंने एक गाड़ी देखी, उसके अंदर भैंसें थी, वो पीछे ऐसे करके निकली थी, वो वाली भैंसें थी। हमने उनको ओवरटेक, मैं ड्राइव कर रहा था, हमने उनको ओवरटेक किया, ठीक है। उसका नंबर मैंने नोट किया था, उसका नंबर अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने व्लॉग उस पर बनाया। वो नंबर आपके घर का था ना? हाँ, 527। हाँ, 527 उसका 527 नंबर था, इसलिए मुझे वो याद था। उसको क्रॉस किया, जा रहे हैं, थोड़ा टाइम गुजरा, तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा गुजरा होगा, फिर वही गाड़ी गुजर रही आगे। और वो आगे नहीं जा सकती थी, वो आगे नहीं जा सकती, क्योंकि रोड इतना खराब था और ना ही हम रुके कहीं पे, हम कंटिन्यूअसली ड्राइव रुक सकते ही नहीं थे, क्योंकि जगह भी नहीं थी इस, क्योंकि राइट साइड पे आपके पहाड़ है, लेफ्ट साइड पे दरिया, तो आप उसको, कोई आपको ओवरटेक करेगा तो आपको पता चलेगा। इस फ्राइडे को क्या डेट है? इस फ्राइडे को है 8th of April। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों को जो रास्ता था वो हमारा काफी लंबा हो गया। जो 11 घंटे का रास्ता था वो वापसी पे कितने का था? 7 या 6 घंटे का रास्ता था, तो इतना फर्क नहीं आ सकता। और वापसी पे हमें रोड भी टूटी हुई नहीं मिली, बहुत छोटे छोटे पैचेस आए। और जाते हुए मैं तुम्हें बात बताऊं, वो जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं कोहिस्तान, वादी जिन। हाँ, वो मशहूर है कि वहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं, वहाँ जिन्नात। और हम जब बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे ना, छोटी वो नॉवेल्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के, उसमें जो भी नाम आता था यही आता था, वादी कोहिस्तान में फला जिन था, ये था वो। तो वहाँ कुछ ना कुछ है। अब हमने देखना ये है, हम लोगों ने टाइम नोट करना है, बिशाम से आगे हुंजा तक, नहीं कहाँ तक, बिशाम से चिल्लास तक अब हमने देखना है कि कितना टाइम लगता है, और वापसी पे भी हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा है। ठीक है, आप भी कुछ बोल रहे हैं, आप वेली खड़ी हैं। यार मामू जी, मैं ना कुछ जरूरी पोस्टिंग कह रही। चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे, शरान सफी जब आएंगे उनके साथ। यहाँ खाना खाने और हम बिशाम पहुँच चुके हैं, और इधर से आगे बहुत लंबा रास्ता है हमारा, बहुत ज़्यादा कोहिस्तान जो है। सब व्लॉग बना रहे हैं, सब व्लॉग बना रहे हैं, ये सब भी आ गए हैं, सैफी शरान वगैरह। जी 10-12 मिनट बाद मुझे भूख लग रही है। खाना खा लिया हमने अब, और सिंह का नाम रख दिया। निकलने लगे और रास्ता तकरीबन 9 घंटों का है, और सिग्नल जाएंगे ना, इंटरनेट कुछ भी नहीं 8-9 घंटे, और अभी भी हमारा 11 घंटों का सफ़र है बिशाम से हुंजा तक, और रात के बज रहे हैं 2। इधर ही पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। कितना ठंडा है, हाथ लगाओ पता लगेगा। मैंने लगाया, मैंने दोबारा लगाओ, नहीं अब नहीं, इससे पूछो जो वुजू कर रहा है। ठीक है, पाओ सब यार, भाई ये सुनाओ, अब सारा पानी बहुत ठंडा है, अभी आगे भी चीजें निकलेंगी।
हाँ जी ठंडा है, ठंडा ठंडा है, ओके। बाय वकार भाई। चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से लव चैन। वो भी लंबा जी, मुंह के कालों से लव चैन। शरान 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 तो मैं सुनता नहीं है। गाड़ी चलानी आती है भाई, 70 चला रहे हैं। हाँ जी मामू आती है। मामू माशाल्लाह 21 बच्चे लानत। दो घंटे उन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ पे रुकें, कोई आगे काम हो रहा है। बर्फ के पहाड़, बर्फ ना सही ना। मामू नेट चल रहा है यहाँ? हाँ, मेरा तो चल रहा है। सिम चल रही है। तो सुबह सुबह खुले 6 बजे? नहीं, 7:30 11 बजे। अभी भी हमारा 9 घंटे का रास्ता है। सनी मामू 9 में 2 और डाल दो, 11 हो गए। जब मैं शुरू से कहती आ रही हूँ 11 घंटे का रास्ता, और मामू अभी आगे कहाँ कहाँ नहीं रोकने इन्होंने हमें। यार मैं इसलिए कह रहा था रात रात में कर लें ये सफर। आप खा ले वहाँ जाके कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। कढ़ाई नहीं, ये जो एक घंटा जाया किया है ना, ये अगर हम 10 मिनट पहले यहाँ आ जाते तो निकल जाना था। अभी अभी रोके तेरा मजाक उड़ा रहा है। जेली पसंद है तू खा ले, मेरे पास पड़ा है पूरा। देख अब तुझे जुगते मार, ये जुगते मारी, तुझे पसंद है तू खा ले। तू क्या होता है आपका, अगर तुझसे बड़ी है तो मेरी को पेप्सी क्यों कहते हो? मुझे याद नहीं लगता वो वाला पहाड़ नहीं देखा उन्हें, तो 3x बनाई दी थी जल्दी। वकार भाई ने एक दिन के 4 ब्लॉग्स बनाने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 डे 1 पार्ट 1 डे 1 पार्ट 2। वकार भाई इधर से सवाल पूछ दे, यकीन मानो जीव नहीं उधर नहीं पूछ दे। वो खबर नहीं होती बंदा जेल से फड़ा गया, वो कुछ सवाल पूछ ले, तूने क्या किया था वो किया। उधर ही मेरे को सवाल हो गए। ये तो पहुंचेंगे परसों सुबह। अब वापसी पे ना यहाँ पे दोपहर को गुजरेंगे तो फायदा है हमारा। नेट ही दे दे पूरा। मामू मामा को आगे ले तू, तो चुप कर मामू। इतनी नेट दे दे, बर्फ सारी पहाड़ पे। क्या कह रहे? कह रहे देखो बर्फ है सारे पहाड़ पे। पची मुझे लगता है अब अभी उठे हैं। अभी थोड़ी बाबा जी आगे देखे, कोस्टर भी खड़ी है। से पूछो वकार भाई के पास तो एक और भी ब्लॉग है। कौन सा? वो तो वकार भाई का 6 घंटे का बन सकता है, जब कश्मीर नहीं गए थे आईपैड लेके हर जगह। मैं बताऊंगी उनको, आप दोनों ने फिर मजाक उड़ाया। नेट तो दे दे। कहाँ है बंदू आपको? ये रास्ता खुल गया 6:17 पे, बंद इन्होंने किया था 6:10 या 6:15 पे, तो एक घंटे बाद इन्होंने ये किया। पिछली दफा ये सड़क सारी टूटी हुई थी, और अब शुक्र अल्लाह का न्यू बन गई है और कुछ बन रही है, वरना ये सब टूटी हुई थी। लेकिन ओ ओए 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 बस ना मामा को डराओ। मैं डर गई? कोई तुम नहीं जन, तुम और शहर। पता नहीं घर कोई रह भी नहीं रहा, इधर खाली हैं और एक जैसे हैं। और कब से मैं देख रही हूँ, लोगों ने फिर हमें रोक दिया था और ट्रैफिक बंद हो गई थी क्योंकि ऊपर वो ब्लास्टिंग कर रहे थे, और अब चल पड़ी है तो सब भागते हुए जा रहे हैं। आधा घंटा फिर इन्होंने हमें खड़ा किया। वॉशरूम बाबा जी मुझे रोजा लग रहा है।
मेरा भूल गए हम, चिलास आ गया, चिलास आ गया, इसका मतलब हम पहुंच गए। नबी कहां पहुंचे, चार घंटे, पांच घंटे में हम पहुंच गए, चिलास आ गया, मुश्किल काम क्लियर हो गया। मामू मुश्किल नहीं था वैसे ना, आज सही था लेकिन लंबा बहुत लंबा, वो इसलिए ना वो जो एक घंटा उन्होंने जाया कर दिया, फिर भी रोड खत्म नहीं हो रही थी। नागा पर्वत, और इसी खुशी में हमारे साथ आ गया शरान ड्राइवर। मामा देखे ऊपर गया था ना, वो वापस आ गया था। अच्छा क्यों? वैसे ही चढ़ा नहीं गया, ऊपर गया था ना, ऊपर जाके वापस। वाह वकार भाई, वाह वाह, बहुत मजा आया सफर का। आज वकार भाई ने बनाया पकोड़े, आपने बनाए? यहीं पे बैठी रोजा, फिनिश करो, सही की है। और ये था बहुत ज्यादा कर लिया, खत्म को क्या कहते हैं, खत्म मुकम्मल करो, रोजा इंतकाम, इंतकाम नहीं, इंतकाम तो वो होता है बदला, इंतकाम पे क्या कहते हैं ये होता है हमारा डे वन खत्म, नहीं मतलब इंतजाम होता है हमारे पहले दिन का। और मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, कल, यस, बहुत बड़ी ब्रेक के बाद। बाय बाय। गाड़ियों ने घेर लिया है हमारी गाड़ी को, हमारी गाड़ी को भेड़ियों ने घेर लिया। इनको आवाज सुनाते हैं।